दोस्तों, मेरा नाम है रेखा। कुकिंग विद रेखा में आपका स्वागत है। अभी गर्मी बहुत है, इसलिए हमें रोज़ कम से कम एक बार नींबू पानी ज़रूर पीना चाहिए। नींबू में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है। नींबू पानी पाचन क्रिया में फ़ायदेमंद होता है और यह मसूड़ों से संबंधित समस्याओं में भी राहत पहुँचाता है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, सो ये ज़रूरी नहीं है कि हमें रोज़ फ्रेश नींबू मार्केट में अवेलेबल हो। इसलिए हम क्या करेंगे कि आधा किलो या एक किलो नींबू इकट्ठा लाकर इसका पाउडर बनाकर रख लेंगे, ताकि जब भी हमें ये नींबू पानी पीने की इच्छा हो, हम नींबू के पाउडर से इंस्टेंट नींबू पानी बनाकर पी सकते हैं। तो आइए अब हम नींबू का पाउडर बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 8 नींबू लिए हैं। अब हम सारे नींबूओं को दो हिस्से में कट कर रख लेंगे। देखिए, मैंने सारे नींबूओं को कुछ इस तरीके से दो हिस्से में कट करके रख लिया है। अब हम सारे नींबूओं को एक कटोरी में इसका रस निचोड़ लेंगे। अगर आपके पास मशीन हो तो आप मशीन की हेल्प से भी इस नींबू को निचोड़ सकते हैं, पर मैं यहाँ पर हाथ से नींबू को निचोड़ूंगी। देखिए दोस्तों, मैंने सारे नींबूओं को निचोड़कर उसका रस निकाल लिया है। अब हम इस सारे नींबू पानी को किसी एक अलग बर्तन में लेकर उसे नाप लेंगे। देखिए दोस्तों, आप चाहे जितने नींबू निचोड़ सकते हैं, चाहे जितना नींबू का पाउडर बना सकते हैं, बट ध्यान रहे कि आप जितना नींबू ले रहे हैं, जितना आपके नींबू का पानी निकलता है, जिस कप या जिस बर्तन से आप नाप रहे हैं, उसी कप का 4 गुना आपको शक्कर लेनी है। मेरे पास ये एक कप फुल भर के नींबू का पानी निकला है। तो अब मैं इस नींबू पानी को एक बड़ी परात में डाल दूँगी। अब इसी कप की 4 गुनी मुझे शुगर लेनी है। देखिए दोस्तों, मैंने इसमें 4 कप शुगर डाल दी है। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसे 3 से 4 दिन के लिए फैन के नीचे रख देंगे। और ध्यान रहे, आप इसे बार बार हाथ नहीं लगाएं, 8 से 10 घंटे में इसे एक बार चलाएं और इसे धूप में तो बिल्कुल भी ना रखें। अगर आपने इसे धूप में रख दिया तो शुगर इसमें मेल्ट हो जाएगी सूखने के बजाय, इसलिए आप इसे फैन के नीचे ही रखें और 8 से 10 घंटे से पहले इसे ना छुएं। देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है। अब हम 3 से 4 दिन के लिए फैन के नीचे इसे ऐसे ही छोड़ देंगे और 8 से 10 घंटे बाद इसे एक बार हिला लेंगे। देखिए, हमारी शुगर को सूखते हुए लगभग 4 दिन हो चुके हैं। आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। अब हम यहाँ पर 1 चम्मच सेंधा नमक डालेंगे। यहाँ पर मैं सेंधा नमक इसलिए डाल रही हूँ ताकि व्रत में भी हम इसे पी सकें। अब हम इस सारी शुगर को इस मिक्सर जार में डाल देंगे और इसका बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेंगे। देखिए, हमारा नींबू का पाउडर बनकर रेडी हो चुका है। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसे बनाने में कोई मेहनत नहीं लगती है, सिर्फ इसे सूखने में 3 से 4 दिन का टाइम लग जाता है। इसमें सिर्फ 2 ही इन्ग्रीडियंट की ज़रूरत पड़ती है, नींबू और शक्कर। अब हम इसे आसानी से किसी भी एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करके लगभग महीने भर के लिए रख सकते हैं और जब भी हमारी इच्छा हो, हम हमारी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपके घर में ये नींबू का पाउडर अवेलेबल होगा तो बच्चे भी इसे खुद ही बनाकर पी लेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि इंस्टेंट नींबू पानी कैसे बनाते हैं इस पाउडर से। आपको 1 स्पून नींबू का पाउडर लेना है, इस ग्लास में डाल देना है। उसके बाद आपको इसमें डालना है पानी। अब आपको पानी का पूरा ग्लास भर देना है। इसमें शुगर उगर कुछ नहीं डालना है क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी सब कुछ डाल के रख रखा है। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये भुना हुआ जीरा। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा काला नमक, ये भी ऑप्शनल है। देखिए, अब हम इसे अच्छे से हिला लेंगे। हमारा नींबू पानी बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरा नींबू पाउडर की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।